नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज का विषय है सफलता और असफलता को आत्मलोक में किस तरह से देखा जाता है। ये सफलता और असफलता के बारे में मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी ज़्यादा नहीं सोचा। मैंने यही सोचा था कि कुछ करना है या फिर किस तरह से जीना है वगैरह। लेकिन आज मैं देखता हूँ तो मुझे सफल बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। तो सफलता तो कोई बुरी बात है क्या? तो ऐसा ज़रा भी नहीं है। सफलता बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि जो सफलता में इतने ज़्यादा बह जाते हैं कि उनको कभी कभी नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहे हैं। अगर किसी इंसान को मतलब उसका ठीक से ज़िंदगी नहीं चल रही या फिर उसका परिवार उससे खुश नहीं है, वो ठीक से परिवार को संभाल नहीं पा रहा है, तो ऐसे वक्त में वो ये कहे कि मैं सफल होना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने परिवार को संभालना चाहता हूँ। और अगर वो असफल हुआ तो फिर से उसका परिवार दुख में जिएगा या फिर बहुत ही ज़्यादा मर्यादित अपनी ज़िंदगी जिएगा मर्यादित साधनों से। तो ठीक है कि उसका कहना कि मैं सफल बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे दिल में ही सफलता के कोई मैंने डेफिनेशन कोई व्याख्या कर ली है और उसी तरह से मैं आगे की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। और अगर मैं वैसा नहीं बन पाया या फिर मैं अब वो प्राप्त नहीं कर सका तो मैं पूरी तरह से असफल हूँ या फिर मेरी ज़िंदगी को कोई भी अर्थ नहीं रहेगा, ऐसे भी बहुत लोग सोचते हैं। तो उनको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर देखा जाए तो हमें पता है कि आपके कुछ सपने होंगे या फिर आपके भी बचपन से किसी चीज़ के बारे में आपने सोचा होगा, लेकिन सच यही है कि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिए। आपके पास अगर कहते हैं ना कि हमारा घर अच्छी तरह से चल रहा है और कल के भी हमें टेंशन नहीं है, हम बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई। क्योंकि आज मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जो आज कमाएंगे और उसी को आज खाएंगे, कल का उनको नहीं पता। कल अगर काम मिला तो ठीक, नहीं तो वो थोड़ा सा उनको जीने के लिए तो कभी कभी कर्जा भी होता है और वो ठीक से कुछ आगे भी नहीं पढ़ पाते। तो बहुत लोग यही कहेंगे कि उनको काम बदलना चाहिए या फिर उनको ये करना चाहिए। बहुत लोगों के पास ऐसे ऑप्शन नहीं होते कि वो कुछ करे, और कुछ ऑप्शन जो होते हैं तो वो कुछ कर भी नहीं सकते। ऐसी चीज़ों है, हम दूसरे को तो पहले ब्लेम वगैरह नहीं कर सकते, दूसरे को आरोप वगैरह नहीं लगा सकते, लेकिन हमें ये समझना होगा कि सफलता और असफलता को आत्मलोक में किस तरह से देखा जाता है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ आपको, सफलता और असफलता को आत्मलोक में कोई पूछता ही नहीं है। आत्मलोक में किन सारी चीज़ों को सफलता कहा जाएगा या फिर वो किस तरह से हमें सोचेंगे, वो ज़रा भी ये नहीं देखेंगे कि पृथ्वी पर आप कितने सफल हो। विश्वावरत ने यही एक बात कही है कि एक बहुत ही सफल व्यक्ति अगर आत्मलोक में चले जाए तो उसको एक नॉर्मल ही ट्रीट किया जाएगा, उसको कोई भी बड़ा चढ़ा के नहीं उसका स्वागत करेगा। लेकिन एक सफल आत्मा किसे कहा जाएगा? सफल आत्मा उसको कहा जाएगा जिसने गरीबी से शुरुआत करके एक बहुत ही बड़ा जो बिजनेसमैन बना है। सफल क्या उसको कहा जाएगा जिसके पास कुछ भी नहीं था लेकिन फिर भी अपने ज़िंदगी से मात करके, अपने ज़िंदगी से लड़के उसने सब कुछ पा लिया है? या फिर सफल उसको कहा जाएगा जिसने बहुत ही कम समय में कोई गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोई बड़ा रिकॉर्ड किया है? क्या उसको सफल माना जाएगा? तो ऐसा ज़रा भी नहीं है। आत्मिक रूप से अगर देखा जाए तो सफल उसको माना जाएगा जिसने अपनी ज़िंदगी में जिस आत्मा ने अपनी ज़िंदगी में जिस चुनौती का सामना करने की चयन किया था, उस चयन को अगर वो सफलतापूर्वक कर सके, अपनी ज़िंदगी में जो भी उसके सामने चीज़ें आई उसका अगर उसने सफलतापूर्वक सामना किया और एक अच्छी ज़िंदगी जी, तो उसको सफल आत्मा बना कहा जाएगा। अब आप यही सोचेंगे कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर बहुत लोगों के सामने ऐसी चीज़ें आई जिन्होंने परिस्थिति का सामना किया और वो जो बड़े बने, तो मतलब इसका मतलब वो सफल है क्या? मैं सच कहता हूँ कि सफल है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि आत्मा का जो उनका स्वभाव है उस पर ये सारी चीज़ें निर्भर है। मैं कभी कभी ऐसे भी लोगों को देखा है कि जिनको खाने के लिए दाना नहीं था और जो बड़े बने, मतलब एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन या फिर कुछ बड़ा उनका नाम हुआ, ऐसे लोगों ने समाज के लिए कुछ करने की चाही तो बहुत ही कुछ छोटा सा किया। मतलब कुछ ऐसे भी मैंने उदाहरण देखे हैं कि कोई अस्पताल उन्होंने समझा बनाया है तो वहाँ पे उन्होंने गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं फैसिलिटी रखी या फिर ऐसी चीज़ें की जहाँ पे वो और पैसा कमाए। तो दिखाने के लिए उन्होंने हॉस्पिटल क्यों खेला, क्योंकि मैं समाज की कुछ सेवा करना चाहता हूँ वगैरह, लेकिन वो कर तो रहे बिज़नेस। तो ऐसी चीज़ें हैं, अगर ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुख से अगर उभरा भी है या फिर अपने चुनौती भी उसने बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी उसने अगर किया है, तो ऐसे इंसान को बहुत ही तुच्छ ही माना जाएगा। विश्वावरत ने यह भी कहा है कि एक जो सफल व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में जी रहा है वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, कभी लोगों को मतलब हाथ दिखाता है चला जाता है। ऐसे जो लोग होते हैं समाज में, आपको भी पता होंगे कि वो होकर भी नहीं होते या फिर कभी वक्त आया तो बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। वो लोग उनको कभी ज़्यादा बुरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन विस्पियर तो हमसे ये कहते हैं कि अगर ऐसे इंसान की बात की जाए तो हमें लग सकता है कि ये बहुत ही सफल व्यक्ति है या फिर
ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, ये कोई उच्च आत्मा होगा। लेकिन विश्वेश्वर तो हमसे ये कहते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं वो कभी कभी आत्मलोक में मतलब आधे स्तर पर भी नहीं होते। मतलब अगर 7 लोक है उसमें तीसरे लोक में भी कभी कभी ये लोग नहीं होते। उन्होंने क्या क्यों ऐसा कहा है, तो विश्वेश्वर का कहना यही है कि ऐसा नहीं है कि आत्मा ने अगर जन्म लिया तो अपनी ज़िंदगी वो जिए और जाए, ऐसा नहीं है। उसको समाज के लिए भी कुछ करने की ज़रूरत है। अब समाज के लिए क्या करना, समाज के लिए कुछ करना मतलब आपको कुछ बड़ा करना है, ऐसा नहीं है। आप रोज़ की ज़िंदगी जीते समय कितना अच्छे अपने आप बर्ताव करते हो। कभी कभी मेरे एक करीबी एक इंसान रहते थे और वो किसी एक ट्रांसपोर्ट एक चीज़ है ट्रेन बस ऐसी कुछ, मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, तो वो वहाँ पे काम करते थे मुझे पता है। तो ये जब मेरे घर पे वगैरह दिखते थे तो वो बहुत ही अच्छे से मेरे से साथ बात करते थे और उनको हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छा माना जाता है। एक दिन ऐसा वक्त आया कि मैं जब वो वहाँ पे चला गया और मुझे बस पूछनी थी कि यहाँ का कितने बजे की है वगैरह, तो क्या हुआ कि यही वहाँ पे बैठे थे, अब कोई अपना इंसान दिखे तो हम उससे ही पूछते हैं। तो मैं उनसे जो पूछ रहा था मुझे तो आंसर उन्होंने ठीक ठाक दिया, लेकिन जो दूसरे इंसान जब आकर पूछ रहे थे तो उनके पास वो देख भी नहीं रहे थे। उनके वो बात सुन रहे थे लेकिन उनके पास देख भी नहीं रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक इंसान जिसे दुनिया अच्छा समझती है, जो है शांत और बहुत ही अच्छा हंसता बिस्ता अच्छा है, लेकिन अगर वो अपने दिल से ही कुछ काम कर नहीं रहा हो या फिर कोई बेचारा यात्री को वो ठीक से उसका काम ही है, वो ऐसा भी नहीं कि वो कुछ अलग कर रहा है, उनका काम ही होता है कि आप बताए गाड़ी के बारे में वगैरह, तो वो ठीक से अपना काम की तो जाने दो। लेकिन इंसानियत के मार्ग से अगर देखा जाए सोचकर तो वो ठीक से अपना इंसानियत भी नहीं दिखा रहे दुनिया को। तो ऐसे इंसान को हम क्या कितना सफल बताएंगे या फिर कितना उसको अच्छा बताएंगे, तो ये आपको जरा भी नहीं देखा जाएगा कि आप किसने इन सारी चीज़ों का परिस्थितियों का आपने सामना किया है या फिर आप सफल हुए या फिर नहीं हुए। यही देखा जाएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या अपने आप को बदला है या फिर अगर आप बुरे थे, आपका मन अगर कोई दूषित था। मैं खुद के बारे में भी बात बोलूँ तो पहले मुझे कभी कभी किसी ने बहुत बड़ी अगर मदद की मेरे लिए तो मुझे कुछ भी नहीं लगता था, लेकिन जैसे आजकल ये सारी चीज़ें पढ़कर या फिर इन सारी चीज़ों का अवलंब करने की कोशिश मैं जब करता हूँ तब मेरा कोई पेन भी अगर नीचे गिरा हुआ और किसी छोटे बच्चे ने भी अगर उठा कर दिया तो भी मैं उसके 10 बार आभार प्रकट करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे दिल में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। शुरुआत में थोड़ी सी मतलब मेहनत लगती है या फिर हमारा जो स्वभाव है वो 1 मिनट में तो नहीं बदलता, लेकिन आपको अच्छाई अपने दिल में लानी होगी और अगर आप प्रार्थना या फिर ध्यान करोगे तो इन सारी चीज़ें आपकी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। मुझे खुद का अनुभव इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई अगर बुरा हो या फिर उसके दिल में अच्छाई ना हो तो वो हमेशा के लिए निचले स्थान पर चला गया, ऐसा ज़रा भी नहीं होता। लेकिन असफलता या फिर सफलता को कैसे देखा जाता है आत्मलोक में, तो अगर किसी आत्मा ने समझो किसी अच्छे काम के लिए चुनाव किया, उसने अपने सामने कुछ चुनौतियाँ रखी और उसको वो ठीक तरह से समझो सामना नहीं कर पाई, लेकिन भौतिक जीवन में मतलब पृथ्वी के जीवन में वो समझो बहुत बड़ी भी बन गई हो, लेकिन आत्मलोक में उसे असफल ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी चीज़ें ही ठीक तरह से नहीं की। और अगर बात करें ऐसे लोगों की, मैंने ऐसे भी कुछ लोग बहुत ही महान लोग ऐसे भी देखे कि जो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी तो नहीं जी है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत ही कुछ ऐसे कर्म अच्छे किए जिससे दुनिया ने कभी भी नहीं देखा। अगर प्रकाश आमटे जी के बारे में हम बात करें तो उनको ज़्यादा कोई नहीं भी जानता था, उनको मैग्सेस पुरस्कार मिला और वो फॉरेन से मिलता है, आपको पता होगा। तो भारत की किसी सरकार ने तो उनको कोई भी पुरस्कार नहीं दिया, लेकिन फॉरेन के एक कंपनी ने उसको दिया वो सारी पुरस्कार। तो अगर देखा जाए तो ऐसे इंसान को जिसको ज़्यादा मतलब दुनिया ने नोटिस नहीं किया, बाद में उनको थोड़ा फार नोटिस किया, लेकिन मुझे लगता है कि इनका नाम बहुत ही कम लोग जानते हैं। कैलाश सत्यार्थी जैसे ही मतलब बहुत जो कुछ नाम हुए हैं हम उनको ही जानते हैं सोशल वर्क करने वाले, लेकिन ऐसे लोगों के नाम हम बहुत ही कम जानते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, अब इनको सफल काहे कैसे कोई कहा जाएगा कि इनको कोई जानता ही नहीं। वो जिस ज़िले में महाराष्ट्र के एक ज़िले में उनका काम करते थे, उस ज़िले के तहसीलदार वगैरह जो मतलब होते हैं ना, आपको पता ही होगा, जो काम करते हैं सरकारी वगैरह, तो वैसे लोगों को उनका नाम भी पता नहीं था कि ऐसे नाम का कोई इंसान हमारे ज़िले में खुद काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जिसे खुद जो जहाँ पर काम करता है उस ज़िले के लोग अगर उसे नहीं जानते हो तो उसे सफल तो नहीं कहा जाएगा कि वो कोई सफल हुआ है। लेकिन अगर आत्मलोक से बात करें तो ऐसे लोगों को मतलब मैं तो यही कहूँगा कि सोने के सिंहासन पर बिठाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक सफल काम किया है। तो दुनिया में सफलता या फिर असफलता को इस तरह से हमें नहीं देखना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा तो हम काम करने मुझे नहीं लगता कि हम कर सकते हैं, बहुत ही बड़ा है, क्योंकि वो खुद डॉक्टर है प्रकाश आमटे जी, और उन्होंने सारी ज़िंदगी जो आदिवासी लोग होते हैं जो भटके समाज वगैरह जिनके मतलब उन्नति अब तक आज भी नहीं हुई है, वो बहुत ही मतलब एक बहुत ही आम सी ज़िंदगी, एक बहुत ही बेकार ज़िंदगी बेचारे जीते हैं, बहुत ही बुरा लगता है उनको देख कर, क्योंकि अगर उनके
कोई मतलब बीमारी वगैरह हुई तो उनके पास दवाई वगैरह भी नहीं होती, तो ऐसे लोगों के लिए मदद करते हैं प्रकाश आमटे जी। सचमुच ऐसे लोगों के नाम लेना मतलब श्री राम और श्री कृष्ण जैसे ही लोगों के नाम लेना जैसा, देवताओं के नाम लेने जैसा ही मुझे लगता है। तो प्रकाश आमटे जी, अब्दुल सत्तारीदी जी, या फिर सिंधुताई सपकाल जी, या फिर प्रकाश आमटे जी के पिताजी बाबा आमटे, ये जो लोग हैं वो कोई बड़ी हस्तियाँ या फिर बड़े सेलिब्रिटीज़ तो मैं उनको ज़रा भी नहीं कहूँगा, लेकिन ये अगर देखा जाए तो आत्मलोक के मुझे लगता है कि सेलिब्रिटीज़ है। आत्मलोक के एक महान ऐसे आत्मा है जिनको मुझे लगता है कि कभी कभी परमेश्वर खुद गले लगाने के लिए उनको आएगा कि तुमने कितनी अच्छी ज़िंदगी जी है। तो आत्मलोक में सफलता का व्याख्या यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें, अपनी ज़िंदगी में जो आए संकट उसका तो सामना करें, लेकिन समाज के लिए भी कुछ करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो आप निस्वार्थ मन रखने की कोशिश करें और इस तरह से आगे बढ़ें। आपकी ज़िंदगी में समझो कोई बुरा विचार करता है या फिर उसकी विचारशीलता ही बुरी है, या फिर जो काम क्रोध और लोभ का प्राणी है, मतलब जिसे हर एक चीज़ में अपना फ़ायदा चाहिए, तो ऐसा अगर किसी का मन हुआ तो वो भी बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को बदलने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि एक ऐसे इंसान की मैंने आपको कहानी बताई थी मौत के बाद मेरे साथ क्या हुआ उस श्रृंखला में, कि उसने उसका एक दुकान था और उसने यही कहा कि मैं कुछ भी हो मेरे लोभ का, वो कहते हैं ना कि लोभ का वो चेला था, मतलब लोभ का ही शायद पुत्र था, लोभ पूरे दिन वो लोभ का ही सोचता था। वो अपने वजन काटे में वगैरह भी हेरफार करता था कि ताकि उसे और पैसे मिले, लेकिन ऐसे इंसान का भले ही वो मुझे लगता है कि पृथ्वी पर वो बहुत ही अमीर इंसान बन गया होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो उसने यही कहा है अपने बाप बीती में, अपनी कहानी में, कि वो एक बहुत ही निचले स्थान पर चला गया इंसान और उसे उभरने के लिए बहुत जन्म लेने पड़े और उसके बाद वो बहुत ही अच्छा विकसित आत्मा बना। आज इस वक्त में वो बहुत ही ऊँचा आत्मा है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में जो उसने बुरा किया था उसके लिए उसको बहुत ही निचले स्थान पर ही स्थान मिला था। उसको इतना निचला स्थान मिला था कि वहाँ पर एक प्रकाश का भी कण नहीं था। तो सफलता के असफलता के पीछे मुझे नहीं लगता कि हमें भागना चाहिए। आप बस अपनी ज़िंदगी जियो, जिसे कुछ मिलना है वो मिलेगा, लेकिन आप प्रयत्न करना ना छोड़े। कभी कभी हमारे बहुत बड़े सपने होते हैं उसको पूरे करने के लिए कहते हैं ना कि जी जान लगा दो अपनी, लेकिन मुझे वो चाहिए ही या फिर ना मिला तो मेरी ज़िंदगी को कुछ अर्थ ही नहीं, ऐसा ज़रा भी ना सोचे। अपनी ज़िंदगी में जितना कर सके वो उतना करो, लेकिन जो भी होना है परमेश्वर के मन से होगा, लेकिन प्रयत्न करना मेरा काम है, मैं वहाँ तक करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। इस ही मानसिकता के साथ अगर आप जिए तो आपका कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। तो यही मुझे कहना था। अगर आज के सेशन के लेकर अगर आपके कुछ भी सवाल हो या फिर कुछ चीज़ में आपको ठीक से समझा नहीं पाया हूँ तो आप ज़रूर मुझसे पूछें, मैं उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप हमेशा खुश रहना, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।